तमाशा तमाशा इश्क तमाशा। बड़ी बहन हो तुम लोगों की, अगर तुम लोगों के तोहफे खोल के देख लूंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? जरूर देखो, लेकिन हमें इस चीज की गारंटी दे दो कि हमारी चीजें देखकर तुम बेईमान नहीं होगी। जरूरत नहीं है मुझे तुम लोगों की चीजों की, वहाज भाई मेरी हर फरमाइश पूरी कर देते हैं, समझी तुम? वहाज भाई तो पूरी कर देते हैं, लेकिन तुम्हारा नदीदापन खत्म होने के बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है, इसलिए जरूरी है कि चीजें छुपाई जाए। अरे लड़कियों, खामोशी से सारी चीजें देख रही हो, क्या भेजा है वहाज ने, मुझे भी तो दिखाओ ना। अल्लाह पूछे तुम्हें परवशा, बड़ी जबान दराज हो गई हो तुम। इसे जबान दराज होना नहीं, सेल्फ डिफेंस कहते हैं रुशना बीबी। बस भी करें आप दोनों, लड़ना शुरू करती है तो खत्म करना ही भूल जाती है। अरे ये क्या मीना बाजार लगा रखा है, चलो उठाओ ये सारी चीजें, मेरे कमरे में ले जाके अलमारी में रखो। हाय अल्लाह अम्मी, क्या चीजें उम्र कैद के लिए मंगवाई है, सारी चीजें आप अलमारी में रख देंगी? तो क्या उजाड़ने के लिए तुम लोगों को दे दूं? मेरा बेटा इतनी मेहनत करके ये चीजें भेजता है, तुम लोगों को जरा भी एहसास नहीं? देख रही है खाला अम्मा, इन्हें अपने बेटे की फिक्र है लेकिन हमारी नहीं। अल्लाह सलामत रखे मेरे बच्चे को, खैर से बड़ा ही मेहनती और हिम्मत वाला है। अरे वो नहीं इनकी फरमाइशी पूरी करेगा तो कौन करेगा? वो तो ठीक है खाला अम्मा, लेकिन मेरे बच्चे ने भी तो चार चार लड़कियों का फर्ज अदा करना है, चारों का जहेज बनाना, चारों को ब्याना, ये सब अकेला भला कैसे करेगा मेरा बच्चा बेचारा? अरे सब कुछ हो जाएगा, काहे को फिक्रमंद होती हो? यही तो मैं भी इनको समझाती हूँ कि मुस्तकबिल के खौफ से हमारा हाल खराब ना करें, हमारी शादियाँ जब होनी होंगी हो जाएंगी। अरे अकेला में तो शुरू से ही अकल की कमी है। अच्छा छोड़ इन बातों को, अच्छा ये बता वहाज ने मेरे लिए मेहंदी भेजी? अरे आइए ना लेकर आती हूँ। हद करती हैं खाला माँ आप भी, पाकिस्तान में क्या बैन लग गया मेहंदी पर जो आपने दुबई से मंगवा ली है? यहाँ की मेहंदी में रंग नहीं आता, इसलिए मैंने वहां से कहा था कि वहां से मुझे मेहंदी भेजे, वहां की मेहंदी में रंग बहुत ही तेज आता है। शाबाश है खाला माँ, मैं लड़कियों की बेहिसी पे रो रही हूँ और आप भी बस। अरे मेरा तुझे क्यों हंसी आ रही है? ऐसे चलो उठो जाके रोटी बना लो, या ये भी याद दिलाना पड़ेगा तुम्हें घर में कोई जिम्मेदारी तुम्हारी भी है कि नहीं? चीचा चीचान जाओ। अकीला कभी तो बच्ची से तू प्यार से बात कर लिया कर, अरे बिन माँ बाप की यतीम बच्ची है, कुछ तो ख्याल कर। बस खाला माँ अब मुझे समझाने मत बैठ जाना, इस वक्त मैं कुछ सुनने और समझने के मूड में नहीं। एक तो सारे खानदान ने मिलकर इस लड़की की जिम्मेदारी मेरे सर पे डाल दी, लड़कियों उठाओ ये सारा सामान लेकर जाओ मेरे कमरे में। संभल के
इतना सारा सामान भेजा है वहाज ने। अभी तो और चीजें भी पड़ी हैं खाला अम्मा। ओहो, आटा गूंदा जा रहा है। सुनो, वहाज भाई ने कुछ नहीं भेजा तुम्हारे लिए? भूल गए होंगे। मैं तो जान से मार दूं अगर कोई मेरे साथ ऐसी हरकत करे। मैं मिर्हा हूं और तुम रुशना। चलो फिर ये चूड़ियां मैं रख लेती हूँ, कितनी प्यारी है ना। रुशना बदतमीजी मत करो, प्लीज दे दो मुझे। तो ले लो, मना था क्या? ये लो, ये रुशना, ये रुशना, क्या कह रही हो, टूट जाएंगे यार, प्लीज दे दो। अरे रुशना, मिर्हा ये लो। मिर्हा रोटी बन गई है। जी चाची जान, बस बन गई। अल्लाह रुशना, तुम्हारे ही काम खराब होगा। अच्छा बताओ कितने बनाए? अभी रहते हैं। वैसे तुम्हारी तैयारी से लग नहीं रहा कि कल तुम्हारे पेपर है। आई स्वेयर कल मेरा पेपर है। इतने दिनों बाद घर से बाहर निकल रही, इतनी तैयारी तो बनती है। अम्मी ने तुम्हारी ये हरकतें देख ली ना तो क्या अम्मी घर से निकाल देंगी? घर से बाहर निकाले ना निकाले, किसी घर का जरूर कर देंगी। हाय जालिम, यही तो मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द कोई हसीन शहजादा आए और मुझे इस घर से निजात दिलाए। हसीन होना शर्त है क्या? ऑफ कोर्स, सिर्फ और सिर्फ हसीन। अब देखो ना मेरा, आखिर मैं कितनी खूबसूरत हूं, तो उसका हसीन होना भी तो बनता है ना। बाज नहीं आओगी ना तुम? अच्छा ये बताओ तुम्हें चूड़ियां कैसी लगी? अच्छी थी, मोहब्बत से भेजी थी ना। मोहब्बत की इंतहा देखो, पर मुझे तो सब कुछ चाहिए, बहुत सारा पैसा, ये बड़ा महल और घोड़े को एड़ लगाता खूबसूरत सा शहजादा। जाग जाओ रुशना, सो जाओ तो ख्वाब देखना, अभी तो पूरी रात बाकी है। पल्विशा तुम क्या कर रही हो? रुशना मैडम का कल पेपर है और फर्रे मैं बना रही। रुशना कितनी बुरी बात है। अरे तो क्या हो, बहनों के बहन के काम नहीं आएगी? तुम पढ़ नहीं सकती? मैंने कौन सी नौकरी करनी है जो पढ़ लूं? तौबा है। कहाँ चला गया? कहीं तो रखा था। क्या हुआ, क्या खो गया? मेरा पाउच नहीं मिल रहा है, उसके अंदर मेरा वाउचर है, फीस जमा करवानी है आज मुझे। हाँ तो पलवशा का ले जाओ, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। खबरदार, मेरे पाउच को किसी ने हाथ भी लगाया तो। भाई पाउच में मेरा वाउचर है, मुझे फीस सबमिट करवानी है, आज आखिरी डेट है। तो पहले अम्मी से पैसे तो ले लो। हाँ। और हटो मैं ढूंढती हूँ, तुम्हें तो वैसे ही नजर आना बंद हो जाता है परेशानी में। तुम बहुत अच्छी हो, प्लीज ढूंढो। अच्छी तो मैं हूँ लेकिन मेरी अम्मी अच्छी नहीं है, इसलिए मेरा शुक्रिया अदा करने से पहले वो महा सर कर लो। कितनी खराब हो ना तुम, चाची जान ने सुन लिया तो क्या सोचेंगी वो? हाँ तो सुन ले, मैं मुकर जाऊंगी। अच्छा मुझसे बातें करने में वक्त जाया नहीं करो, जाओ जाकर अपना काम करो। मेरा कुछ नहीं होगा, जाओ। क्या कर रही हो ये रुशना? पाउच ढूंढ रही हो। अच्छा
ये इतना मेकअप किस खुशी में हुआ है? पेपर देने जा रही हो या अपने डियर कजन की शादी में? अपने काम से काम रखा करो, हर वक्त माँ बनने की जरूरत नहीं है मेरी। सही है बेटा, सही है। अब लिखवाना मुझसे फर्रे। चल चल, आखिरी पेपर था आज मेरा। हाँ? अच्छा, फिर तो जैसे जरूरत पड़ेगी नहीं ना। चाची जान, अब कुछ बोलोगी भी या मुंह में गुड़ डाले खामोशी से खड़ी रहोगी? वो आज फीस जमा करवाने की आखिरी तारीख है। हाँ तो पैसे चाहिए थे फीस के। तुम्हारे चचा कोई कानून का खजाना छोड़कर नहीं मरे थे, और साफ बात है भाई, अब मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाती फिरूं, और मेरा बेटा इसलिए नहीं कमाता कि तुम्हारी पढ़ाई के खर्चे पूरे करता फिरे। कुछ ही दिन रह गए फिर। हाँ फिर क्या, लॉटरी लग जाएगी तुम्हारी या तुम मिनिस्टर लग जाओगी। मैं कोई जॉब कर लूंगी। जॉब कर लूंगी? यहाँ कोई ट्रे में लेकर खड़ा है ना तुम्हारे लिए नौकरी? यहाँ तो बीबी पढ़े लिखे धक्के खा रहे हैं, मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चाची जान, मुझे देर हो रही है। ऑर्डर तो ऐसे ही कर रही हो जैसे जैसे खुद पैसे दिए हो संभालने के लिए। ये मैं आखिरी बार दे रही हूँ तुम्हें पैसे, बंद करो ये पढ़ाई का सिलसिला, और भी बड़े खर्चे होते हैं, घर चलाना कोई आसान काम नहीं है। पकड़ो जी। अब जाओ। देखो मेहराब साहब आ गए, जल्दी करो चाय बनाओ। वालेकुम सलाम, आओ नाश्ता कर लो। वो नहीं, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ। मेहराब, ये बहुत गलत बात है, तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते बेटा। अच्छा प्रॉमिस, मैं ऑफिस में कुछ ना कुछ खा लूंगा। हरगिज नहीं, मुझे पता है ना वहाँ जाके बिजी हो जाओगे हमेशा की तरह, भूल जाओगे। अच्छा ऐसे करती हूँ, मैं लंच भिजवाती हूँ तुम्हारे लिए आज। पप्पू ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक्चुअली मैं शायद लंच में ऑफिस में हूँ ही ना, एक चाइनीज डेलीगेशन आ रहा है, मुझे उनके साथ शायद लंच भिजाना होगा। मेहराब। अच्छा फाइन, डिनर तुम साथ कर ही रहे ना? हाँ वो तो ठीक है, दरअसल मैं तुमसे ना अरम के बारे में कुछ बातें करना चाह रही थी। क्यों क्या हुआ, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया उसने? बेटा वही फजूल की एक्टिविटीज में बिजी रहता है। अच्छा फिक्र मत करें, मैं समझाऊंगा उसको। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे अरे, ये कहाँ मेरा दुपट्टा लेके जा रही हो? तुम भी तो मेरी चीजें यूज करती हो, मैंने तो कभी नहीं रोका। आज मैंने कभी चीजें फट जाएगा। अरे तो फट जाए तो मैं नहीं दूंगी, मैं इधर एक दिन ले जाऊंगी तो मौत पड़ जाएगी। दे दे, फट जाएगी मौत। अम्मी अम्मी, इधर इसको लेके मैं दुपट्टा लेके जा। अम्मी दे दूं तुम्हें दुपट्टा मैं अपना। तुम निकली नहीं अभी तक? निकली तो रही हूँ। इस बार तैयारी तो अच्छी है ना? हाँ हाँ, इस दफा तो मुझे पूरा यकीन है इंटर क्लियर कर ही लूंगी। पिछले 3 साल से यही कह रही हो तुम,
पक्का हो जाएगा इस दफा, आप फिक्र ना करो। कैसे फिक्र ना करूं? तुम इंटर करोगी ना तभी तुम्हारा ब्याह होगा, लेकिन मैं किसे सर फोड़ रही हूँ? ये लो। ये क्या, इतने कम पैसे, इसमें तो सिर्फ एक तरफ का किराया ही लग जाएगा। बस इतना ही है मेरे पास, बाकी तुम्हारी चहेती ले गई है। अब वहाज पैसे भेजेगा तभी घर का सौदा आएगा, सब कुछ तो खत्म हुआ है घर में। मैं आप भी ना बहुत ही कंजूस हो कसम से। खैर दुआ कीजिएगा मेरा पेपर अच्छा हो जाए। इस मामले में तो मेरी दुआएं कबूल नहीं होंगी। खैर मैंने फैसला कर लिया, इस बार तुम पास हो या फेल शादी मैं तुम्हारी कर दूंगी। बस शौक से कर लीजिएगा, मैंने कौन सा मना किया। खैर अब मुझे जाने दो, मुझे बहुत देर हो रही है। जाओ ना, मैंने कौन सा रोका है तुम्हें। खुदा हाफिज मेरी प्यारी अम्मी। आओ। अच्छा दरवाजा बंद कर लेना और अपना चाय का कप बनाकर टीवी के आगे बैठ के पी ले। हाँ खाला अम्मा टीवी देखने दें तब ना। अच्छा सुनो, मटर गश्त मत करना, वापसी पर सीधी घर आना। अच्छा ना, अच्छा मटर पुलाव बना के रखना, बहुत दिल चाह रहा है खाने का। अच्छा ना बना लूंगी भाई। फरमाइशें तो ऐसे करती है जैसे बाप कोई कानून का खजाना छोड़ कर गया। हेलो, हाँ सब पहुंच गए? हाँ ठीक है, मैं भी बस 20 मिनट से पहुंच रहा हूँ। ओके। सॉरी आपको लगी थी? नहीं मैं ठीक हूँ। If you don't mind, please ये रख लीजिए कहीं से, आप चेकअप करवा लीजिए। कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं आपको ले जाता है लेकिन इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ। Really sorry। आपके एहसान का बहुत शुक्रिया। अरहम अरहम अब उठ भी जाओ, बहुत देर होगी, उठो। क्या सुबह सुबह उठा दिए, ये जी नहीं आ रही थी। वक्त तो देखो क्या हो रहा है, तुम हो कि अभी तक पड़े सो रहे हो। मैंने कौन सा फैक्ट्री जाना है? यही तो फिक्र है मुझे कि तुम जल्द से जल्द बिजनेस संभाल लो, लेकिन तुम जिंदगी को सीरियस लो तब ना। भाई के होते हुए मुझे जिंदगी को सीरियस लेने की जरूरत है? वक्त बदलते देर नहीं लगती। यही मेहराब जो आज मोहब्बतें निछावर कर रहा है, कल को उसकी बीवी आ गई और वो बदल गया तो फिर? मुझे लगता है भाई की बेगम के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती होगी। भाई तुम्हारे अब्बा ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी ना वो मरे दम तक निभानी है। बस अब तुम जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़े हो जाओ प्लीज, ताकि मैं सुख का सांस ले सकूं। कर लूंगा पोपो, कर लूंगा, फिलहाल तो मुझे अपनी लाइफ में एंजॉय करने दें। मैं अपने आप को बाउंड नहीं करना चाहता। हाँ तो किसने मना किया है तुम्हें अपनी जिंदगी जीने से? मेहराब के साथ जरा वक्त गुजारो, बिजनेस सीखो और फिर जो दिल में चाहे वो करो। कभी-कभी ना आप मुझे बहुत ज़ालिम लगती हैं। अच्छा? ओ बाय द वे भाई का बर्थडे है आज। ऑफ कोर्स याद है मुझे, कैसे भूल सकती हूँ मैं। अच्छा तुम ये चाय तो पियो, इतनी ठंडी हो गई है। तुमने क्या प्लान किया भाई की बर्थडे के लिए? Thank you.
जल्दी करो, अपना वाउचर दिखाओ, बाकी स्टूडेंट भी लाइन में खड़े हुए। जी सर, वही ढूंढ रही हूँ, बैग में रखा था, पता नहीं कहाँ गया। अच्छा, साइड में जाके तलाश करो और बाकी लोगों का वक्त जाया नहीं करो, प्लीज जाए। जी। अरे अंदर चलो खान साहब। अंदर नहीं जाएंगे भाई जी, ये अंदर नहीं जाएंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगा, अंदर अंदर नहीं जाएगा तो पता कैसे चलेगा, रिक्शे में आए, चलो अंदर। एक तो कर रहे हैं कम देव पर से बकवास भी कर रहे हैं। बकवास कौन कर रहे हो, चलो अंदर। हाँ बाजी, बाजी बा कह लेना। क्या बात है, आपकी मर्जी। अच्छी खासी मुसीबत हो गई, अब क्या होगा। पहले इतनी मुश्किल से चची जान ने फीस के पैसे दिए थे, अब क्या करूं। पेपर कैसा हुआ? बस ठीक हुआ। सारे क्वेश्चंस किए? नहीं यार, तीसरा सवाल बहुत हार्ड था। चलो बस भी कर दो ये पेपर्स की बातें, तो अल्लाह अल्लाह करके पेपर्स खत्म हुए। बाबा मेरी तो स्किन डैमेज होके रह गई है। जितनी मेहनत आप अपने हुस्न को संवारने में करती है, अगर इसे आधी तवज्जो भी अपनी पढ़ाई पर दे देती तो आज तुम्हें चीटिंग करने की जरूरत ना पड़ती। तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम अपने काम से काम रखो। हमें क्या नुकसान, तुम अपना ही कर रही हो। तुम दोनों जलती हो मेरी खूबसूरती। हाँ 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 हाँ। अच्छा सुनो, आज पेपर्स खत्म हुए तो कुछ मजे करते हैं यार। ब्राउनीज खाते हैं डिफेंस वाली बेकरी से। मैं नहीं आ रही, मुझे तो घर जाके सोना है। और मुझे भी जाना है घर, बहुत ही बोरिंग हो। सुनो सोबिया, तुम्हारा भाई तुम्हें लेने आएगा। हाँ क्यों, मैं भी साथ चलूं? हाँ हाँ चली चलना, कंबल कहीं की। क्या है तैयार तो ऐसे हो रही है जैसे आज अपने ख्वाबों के शहजादे से मिलने जा रही है। क्या पता मिल जाए, हो सकता है। भैया चार ब्राउनीज के कितने हुए? नहीं मैम, 260 के। से कहाँ गए मेरे? जल्दी करिएगा मैम, पीछे लाइन लग रही है। एक मिनट, अल्लाह मेरे पैसे कहाँ गए, यहीं पे तो रखे थे मैंने। मैम थोड़ा सा जल्दी करिएगा लाइन। हाँ ये आप रख लें वापस। एक ब्राउनी कितने की? 60 रुपीज के मैम। एक मेरे पास 50 रुपए, मैं 10 रुपए दे दूंगी। कोई बात। थैंक यू। Excuse me sir. जी अल्लाह के नाम पे दे दे बाजी। ब्राउनी
इन्हीं मुश्किलात और मत पड़ा। तुम जानते मेरी जिंदगी वैसे ही बहुत मुश्किल है। आसानियत पे तक क्या हुआ तुम्हें? मूड क्यों खराब है तुम्हारा? आज का दिन ही मनहूस है। सुबह पता नहीं किसकी शक्ल देख ली थी मैंने। ठीक कह रही हो तुम, दिन तो वाकई अच्छा नहीं था। मैंने मेरे पैसे गुम हो गए बैग से, उसके बाद एक ही ब्राउनी ली थी, वो भी खाना नसीब नहीं हुई मुझे। क्या मतलब तुम्हारा? कहाँ गए तुम्हारे पैसे? पता नहीं, एक तो भूख इतनी ज्यादा लग रही थी, जैसे ही बेकरी गई बैग खोला पैसे ही नहीं है उसमें। पता है कितनी शर्मिंदगी हुई है मुझे। यही सब कुछ मेरे साथ हुआ है। तुम जानती हो मैंने फीस भी जमा नहीं करवाई। हाय अल्लाह, अब तो अम्मी तुम्हें बिल्कुल पैसे नहीं देंगी मेरा। जानती हूँ मैं, इसी बात की तो टेंशन है मुझे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम परेशान नहीं हो, मैं वहाज भाई से बात करती हूँ, वो कुछ ना कुछ करते हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम उनसे क्यों बात करोगी? उन्हें कुछ मत कहना, अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? उन्हें परेशान करना अच्छा नहीं लगता, तुम रहने दो। अभी बाहर कौन आ गया? सुनो दुपट्टा। हाँ भाई, सारे असूल मेरे पे ही लागू है, दुपट्टा भी ले लो। ओ बहरी, घंटी की आवाज सुनाई नहीं दे रही तुम्हें? बिल्कुल सुनाई दे रही है, तो जाके दरवाजा खोलो ना। अरे मेरे बच्चे आ गए, मुझे पढ़ाने दो, ने जाओ खोलो तुम। तो पता नहीं कौन से माँ बाप जो यहाँ पे भेज देते। ये गाड़ी तो हटा दे रास्ते से, सोच रहे खड़े। ये क्या है? ये क्या? किसने भेजा? तुम अपना काम करो, मेरी दोस्त ने भेजा। क्यों, आज तुम्हारी बर्थडे है क्या? नहीं, पेपर्स खत्म होने की खुशी हो। देखो केक आया, मैं भी प्लेट और छुरी लेके आती हूँ। एक सेकंड, कहाँ से आया? उस पर लिखा देखो, मेरे लिए भी बचाना, सारा खुद ना खा जाना। आपको मीठा पसंद है और मुझे मीठी बातें करने वाले लोग। एक सेकंड, कहाँ से आया ये, किसने रखा है? मुझे क्या पता, जिसने भी दिया भलाई किया, बैठे बिठाए इतना अच्छा केक दे दिया। तुम बगैर पूछे नहीं आई, पूछ तो लेती कि किसका है। भाई किससे पूछती, हवाओं से? कोई भी नहीं था वहाँ पे। अगर कोई गलती से छोड़ गया होगा, वापस लेने आ गया तो क्या कहोगी? भाई गलती से रखी हुई चीज कभी नहीं मिलती, और तुम फिक्र नहीं करो, कोई आएगा तो जवाब दे लूंगी मैं। अच्छा, क्या जवाब दोगे? किस बात का? केक का। किस केक का? तुष्णा, ये केक का है? केक मुझे तो नजर नहीं आ रहा। बहुत बुरी बात है। हाँ हाँ बहुत बुरी बात है, लेकिन कहानी तो मुझे कुछ और ही लग रही है। अच्छा क्या? जैसे लगता है कोई अपना जी हार गया मेरी खूबसूरती पे, किसी को मैं अच्छी लग गई हूँ, कोई अदा भाग गई है मेरी उसे, किसी को तुम्हारे नदीदेपन पे तरस आ गया। हो सकता है कि दुकानदार ने ही भेज दिया। जेलस हो रही हो ना तुम मुझसे? जी नहीं, मैं आपको सिर्फ हकीकत बयान कर रही हूँ। हकीकत तो ये है कि रुशना दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की, इतनी कि कोई भी दीवाना हो जाए। ये केक तो मामूली सी चीज है, मेरी खातिर दीवाने अपना तख्त तराज कर दे। अच्छा,
भाई खुशफहमी में रहना इंसान का हक है, लेकिन ज्यादा भी ज्यादती है ना। तुम आज नहीं करो, ये खाओ। मैंने खाना नहीं खाया। हद ना दीदी हो तुम, खाओ बैठ के केक में चेंज करने जा रहे हो। अल्लाह भला करे उसका जिसने ये केक भेजा। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Mehra, happy birthday to you, yeah, woo! Thank you, thank you. Masne ka? Thank you so much. Happy birthday, bhai. Mehra, happy birthday, Mehra. Thank you, Bobo. Thank you. This is lovely. Thank you so much. You're welcome. Happy birthday, bhai. Kya lag raha hai? Ye dekhna bahut zaroori hai. Yeah, this is amazing. Thanks, yeah. Sabra, ye cake le jao. Dinner ke baad serve karna. Is pe aaram se attack karenge. Ha. थैंक यू सो मच पोपो, हमेशा बर्थडे याद रखती है और आप हमेशा भूल जाते हैं। बाय द वे केक मैं लेके आया था और थैंक यू आप इन्हें कर। अच्छा, और वैसे भी मेहराब बेटा अपनों को शुक्रिया नहीं कहते, तुम ये गैरों जैसी बातें क्यों करते हो हमारे साथ? हाँ भाई, पोपो ठीक कह रही है, हमारा भी फर्ज बनता है आपका ख्याल रखना। आफ्टर ऑल आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं। इस दुनिया में मेरा आप दोनों के सिवा है ही कौन। मेरी जिंदगी आप दोनों से शुरू होती है और आप दोनों भी खत्म हो जाती है। तो क्या हमारे होते हुए भी तुम्हें किसी अपने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। आप दोनों में मैं अपनी जिंदगी के सारे रिश्ते तलाश कर लेता हूँ, इसलिए मुझे किसी और की जरूरत फील ही नहीं होती। मैं तो खुद भी भूल गई हूँ कि तुम दोनों मेरी सगी औलाद नहीं। खुद को कभी याद दिलाना पड़ता है कि तुम दोनों मेरे भाई की औलाद हो। आपके इस जज्बे की कदर करता हूं। तो बस फिर भूला मत। कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा, डिनर के लिए चले? प्लीज, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। चलो। तुम्हारे चचा कोई कानून का खजाना छोड़कर नहीं मरे थे, और साफ बात है भाई, अब मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाती फिरूं। मेरहा, कहो भाई, क्या हो गया? किसका सोग मना रही हो? कौन मर गया? चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? और खाना नहीं तैयार हुआ अभी तक? वो आलू थोड़े कच्चे रह गए थे, मैंने पानी डाल दिया था। तो घंटे भर से क्या कर रही थी किचन में जो अभी तक आलू कच्चे हैं? हद होती है भाई। वो आप कमरे में जाके बैठे, मैं आपका खाना वहीं ला दूँ। एक तो तुम लड़कियां ना, जब तक पीछे ना पड़ो कोई भी काम वक्त पर नहीं होता। सॉरी चाची जान, आज देर हो गई। काम की तरफ तो ध्यान ही नहीं है ना तुम लड़कियों का। कॉलेज से आने के बाद बस खुसर फुसर ही टी टी और कुछ आता ही नहीं। जल्दी लेकर आओ खाना मेरे लिए। जी। इश्क तमाशा, तमाशा, इश्क तमाशा।